हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फैंस। ओके, आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपका पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ कि अभी जो है ये आपका यूजी रेगुलर और वोकेशनल कोर्स के लिए, डेट इज आपका बीए बीएससी बीकॉम वगैरह, आप जो है वो कोर्स करना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, और 4 साल का जो है वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका फॉर्म जो है वो 18 अप्रैल को आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है वो आप लोग अप्लाई करोगे, कैसे जो है वो फॉर्म्स वगैरह भरनी है, सीट्स वगैरह कितनी है। जैसे कि 4,500 सीट्स हैं आपके दोनों मिलाकर, दोनों कोर्स जो है वो आपके यूजी के रेगुलर के और वोकेशनल की अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में बने रहिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह है, किस फीस वगैरह जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको जानकारी यहाँ देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में 4 वर्ष के जो आपका हो गया है, अब 4 ईयर्स ग्रेजुएशन हो गया है, अब इसके लिए जो है वो आपका पोर्टल जो है वो आपका खोल दिया गया है। 18 अप्रैल को खुला था और लास्ट डेट जो है वो आपका मैं बता दूं 20 मई है। और इसमें बता दूं कि कुल 4,500 सीट्स हैं जो आपका ये, और इसमें जो है वो आपको, देखिए पिछले मंथ में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पहले न्यूज आई थी कि आपका जो है वो आपका इंट्रेंस होगा, लेकिन इस बार जो है फिर से इंट्रेंस जो है वो नहीं होगा, और डायरेक्टली जो है आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन की प्रक्रिया जो यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। तो आपका 12th का मार्क्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ रखने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, और फॉर्म भरने के क्रम में इसमें जो है वो आप कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। खैर, यहाँ पे देखिए पिछली बार की मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है वो आपका 90% तक गया था, तो उसी के आसपास रह सकता है। और साथ ही मैं बता दूं कि आपका 20 मई, 20 मई इज द लास्ट डेट, एंड फॉर्म की जो फीस है वो आपका 1,100 रुपए है जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी में है तो ऑफकोर्स इससे जो और है वो देखिए दोस्तों, आपका मैं कम ही बता दूं कि जो आपका है वो दो फीस या यहाँ तीन पे मेरिट आपको लिस्ट देखने में को मैं मिलेगा। समझता हूँ कि एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर जो है नहीं होता है तो स्पॉट राउंड किया जाएगा, और 5 अगस्त तक जो है वो एनी हाउ इसमें जो है वो आपको एडमिशन वगैरह कंप्लीट करनी है, क्योंकि 8 अगस्त से जो है आपका इंडक्शन मीट और क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो क्योंकि इस साल जो है काफी प्रेशर है कि मतलब टाइम से जो है वो आपका सेशन वगैरह चालू कर देना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। काफी इस बार जो है वो टाइमली सारी जो चीजें हैं वो होते हुए दिखेंगी, क्योंकि जो शेड्यूल आया था, जो पटना यूनिवर्सिटी तरफ से शेड्यूल अपडेट किया गया था, उसमें बताया गया था कि आपका फॉर्म जो है वो आ जाएंगे यूजी रेगुलर और वोकेशनल के लिए। तो इसमें भी जो है वो आपको, हमें जो है ये देखने को मिला है कि फॉर्म आ चुका है, तो आने वाले दिनों में जो है वो हमें और भी चीजें देखने को मिलेगी टाइमली। खैर, ये जो है पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके जो है वो देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मतलब नोटिस है, इसमें जो है जो सारी जो चीजें हैं मैंने आपको यहाँ डिस्कस की है वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। ये 13 अप्रैल को नोटिस आ गया था, और फॉर्म जो है वो आपके 18 अप्रैल को आए। तो देखिए, ये जो है मैनुअल है कि किस तरीके से जो है वो आप अपना फॉर्म को भरेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें जो है पटना यूनिवर्सिटी को जो है वो मौका नहीं देता कि अगर कुछ इनकरेक्ट हो जाए तो वो आप उससे ठीक कर सके। तो सबसे पहले जो है वो आपको दिखेगा रेगुलर और वोकेशनल, तो आपको जिसमें भी अप्लाई करना है, तो मान लीजिए बीए में जाना चाहते हैं तो रेगुलर में जाएंगे, या बीकॉम वगैरह करना है तो आप वोकेशनल में जाएंगे। तो इसका पीडीएफ वगैरह है, एके रंजन मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं जो है वो शेयर कर दूंगा। इसके बाद साइनअप वगैरह है, तो साइनअप में जो है वो आप लोग जाओगे तो इसमें जो है वो सारी जो चीजें हैं आपके बेसिक, जो मतलब यहाँ पे आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कह सकते हैं कि रेगुलर में है या बीए बीएससी बीकॉम, मतलब उस हिसाब से जो है वो आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो आपको गलती नहीं करना है। अगर मान लीजिए बीकॉम आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप रेगुलर में चले गए तो वहां पे आपको बीकॉम के सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, तो ये आपको शुरुआत में ख्याल रखना है, ठीक है। तो रेगुलर में जाओगे तो वही बीए बीएससी बीकॉम, सॉरी बीए बीएससी वगैरह जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पे काइंड ऑफ जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, और इस तरीके से जो है वो आप लोग ये सेम जो है वो चीज आप लोग देखोगे वोकेशनल वगैरह के लिए, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा, सेम ही रहता है, ठीक है। इसके बाद और एक एक स्टेप बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो भरनी है, और आपको जो है वो आपको ईमेल आईडी या फोन नंबर पे जो है एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, तो उसको संभाल के रखना है, नहीं होगा तो कहीं पे लिख लेना। मान लो कि बहुत सारे, मैं देखिए 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास से मिसप्लेस हो गया, तो वो चीजें नहीं ना हो, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड वगैरह है, और ये सब जो चीजें सेट वगैरह करने के बाद ओटीपी आएगी आपका वेरिफिकेशन करने के लिए, ईमेल आईडी और फोन नंबर का, वो सब कर लेना है वन बाय वन, ठीक है। और इसमें जो है वो सारी जो चीजें हैं फॉर्म भरने के क्रम में, ये आपको फर्स्ट दिखेगा कि जो आपने रजिस्ट्रेशन में जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, देख लेना कि सब कुछ सही है या नहीं। और इसके बाद जो है वो आपको आगे की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप
क्लास 10th का, 12th का, किस तरीके से जो है कहाँ से आपने जो है वो आप कंप्लीट किया है, कितने नंबर आए हैं, क्योंकि आपका जो है वो उसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, तो वो अच्छे से भरना है। और उसका जो डॉक्यूमेंट जो होगा वो भी आगे स्टेप में जो है वो आप लोग देखेंगे कि उसमें जो है वो आपको फिल कर देनी है। फोटो हो गया आपका, साइन हो गया, ठीक है, जिस तरीके से साइन करते हो वैसे साइन करना आप, और फोटो वगैरह है जो है वो आपका रिसेंट का हो, ठीक है। ये किस तरीके से साइज वगैरह रहेगी, ये हाँ इस वाले पेज में जो है वो आपको दिख जाएगा कि इसमें जो है वो साइन का फॉर्मेट मतलब कितना साइज वगैरह चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये ओवरव्यू होगा कि किस तरीके से जो है वो आपने फॉर्म जो है वो यहाँ पे भरी है, और उसको देख लेना फाइनल सबमिट करने से पहले, उसके बाद पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे पहले जो है एक बार देख लेना कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। दो तीन बार अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जो है वो आपको फॉर्म अच्छे से भरना ही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, और इसमें जो है वो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि पेमेंट कीजिए 1100 या उसके उसके बाद। देखिए ये वाला जो पेज होगा कि आपने फाइनल सबमिट किया होगा कि हाँ मैंने इस कोर्स में इतना जो है वो आपने किया है, तो इसमें जो है वो आप लोग जो है वो अच्छे से इसको पेज को संभाल के रखना, आपका एडमिशन के टाइम में काम आएगा। इसके बाद प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए होगा, मान लीजिए आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया कि आपको पटना कॉलेज में, मान लीजिए कि कोई किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो वो पटना कॉलेज से करेगा, या आपका बीएन कॉलेज से करेगा, तो इस तरीके से होगा। अगर गर्ल्स हैं तो वो मगध महिला में जाना चाहती हैं, तो इस तरीके से जो है वो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, तो उसको अच्छे से फिल आउट कर देना है, और उसका जो आप फिल करोगे तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट में दिख जाएगा कि आपने कौन कौन से प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 में कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं, कौन से कॉलेजेस वगैरह रखी हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यही था आपका किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरेंगे, और ये जो है आपका ऑफिशियल जो है ये वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के रंजन पे शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ, और कोई भी डाउट है तो AKR ब्लॉगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं आने वाले दिनों में और भी जो वीडियो होंगी वह मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और आप लोग भी जो है अपने डाउट रख सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।